मुझे तो लगता है कि बस जब भी मौका मिले, जब भी वक्त मिले, घूमने निकल जाया करो, बहुत अच्छा दिल से यार, बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको भी बोल रहा हूँ, अगर आपका भी दिल हो कि भाई कुछ देखना है कुछ है, तो सोचो मत, निकल जाओ, निकल जाओ भाई, नहीं तो जगह पे जाओगे महादेव का नाम लोगे, कोई ना कोई अपना मिल जाता है भाई। कोई भी जगह पे जाओ, कोई ना कोई अपना मिल जाएगा भाई। वो कहावत है ना कि भाई घूमना है तो जवानी में घूम लो, बुढ़ापे में घुटनों का दर्द लेके फिर पछताओगे। इसलिए भाई ने तो कर दिखाया यार। देखो हर हर महादेव सभी भाइयों को, सबको हर हर महादेव। तो आज फिर यात्रा स्टार्ट हो चुकी है महादेव की कृपा से, चार धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। पूरा देख सकते हो आप, यहाँ से पूरे 12 कवर करेंगे और उसमें चार धाम यात्रा कवर होने वाली है और बहुत आनंद आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो महादेव का पूरा पोस्टर भी लगा दिया है और चार धाम यात्रा होगी और बहुत मस्त और शानदार यात्रा होने वाली है महादेव की कृपा से। चार धाम यात्रा और उसके बाद में 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत के अलग अलग स्टेट में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन हो गए, जैसे महाराष्ट्र में 3 है, उसके बाद में तमिलनाडु में 1 है। 12 ज्योतिर्लिंग सारे कवर किए जाएंगे और उसके बाद में अपना जो चार धाम है, अपने द्वारका हो गया, अपना उड़ीसा का जगन्नाथ धाम हो गया, उसके बाद में रामेश्वरम हो गया और उसके बाद में बद्रीनाथ धाम हो गए। तो चार धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले हुए हैं अपने भाई। तो भाइयों से मिलने के लिए मैं आया हूँ और बहुत शानदार और ज़बरदस्त है पूरा, मतलब इन्होंने प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त की है और बहुत शानदार और ज़बरदस्त यात्रा होने वाली है दोस्तों। और उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर भी पूरा स्टिकर वगैरह लगा दिया है 12 ज्योतिर्लिंग का। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे ज्योतिर्लिंग के, और इसमें से अभी 5 ज्योतिर्लिंग कवर हुए हैं। इधर आ जाइए, इधर का 5 ज्योतिर्लिंग कवर हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सोमनाथ से यात्रा प्रारंभ हुई थी, अहमदाबाद से यात्रा स्टार्ट हुई थी, तो 1 हो चुका है, 1, 2, 3, 4 और 5 भीमाशंकर हो चुका है। और अभी आज शाम को नहीं तो कल तक ये रामेश्वरम कंप्लीट हो जाएगा, फिर मल्लिकार्जुन, फिर उसके बाद में ये सारे ज्योतिर्लिंग एक एक करके कवर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ चार धाम यात्रा भी होगी दोस्तों, चार धाम यात्रा भी होने वाली है, तो बहुत मज़ा आने वाला। और आज किस्मत देखो, आज सोमवार का दिन भी है महादेव की कृपा से। और अभी हम लोग छाया में रुके हैं, तो बहुत शानदार और ज़बरदस्त यात्रा होने वाली है और बहुत आनंद आने वाला है दोस्तों। और अपने भाई लोग गुजरात से आए हैं मिलने के लिए मेरे से, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि यार भाई लोग अपन से मिलने के लिए आए हैं, तो मतलब बहुत आनंद आया। और अभी हमने चाय वाय पिया और उसके बाद, और बहुत मज़ा आने वाला है और यात्रा का पूरा अपडेट आपको मिलता रहेगा अपने चैनल पे, और मतलब बहुत आनंद आने वाला है दोस्तों। आप भी कभी निकलो यार, लाइफ में घूमना चाहिए यार। ज़्यादा कंजूसी भी काम नहीं आती है कभी भी, याद रखो, फिर वो पैसा कोई और ही यूज़ करेगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत कमाओ, थोड़ा बहुत घूमो और इसको इंजॉय भी करो, यूटिलाइज भी करो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बाकी भाई ने गाड़ी मॉडिफिकेशन बहुत ज़बरदस्त कराया है, आप देख सकते हो। आपको कैसा लगा गाड़ी का मॉडिफिकेशन, एक बार आगे से भी दिखाइए, आगे से देख सकते हो। यहाँ पे भाई ने अपने जो आदि योगी सदगुरु जी है, जो ईशा फाउंडेशन है, उसका ये लगाया है महादेव का आगे से एकदम। और यहाँ पे मतलब पूरा कवरअप किया है और 12 ज्योतिर्लिंग वगैरह सब सारी चीज़ें हैं और मतलब एकदम मस्त है। अंदर से भी दिखा दो एक बार, तो अंदर से ये देख सकते हो आप, अंदर का पूरा पूरा भाई ने अपना पानी वानी की सारी व्यवस्था रख रखी है अंदर में और सारी चीज़ें कर रखी है। और ये देख सकते हो, तो मतलब कितने हजार किलोमीटर चल गई अभी गाड़ी, अभी लमसम देखो ना तो 2500 के आसपास हो गई होगी। आ जाइए अंदर आके बताइए आप पूरा डिटेल। तो भाई अपने आ रहे हैं दोस्तों अंदर में, और अंदर आके बताएंगे कितना क्या गाड़ी चली है, क्या है, कितना क्या गाड़ी चली है, वो सारी चीज़ें बताएंगे भाई। अभी 5 ज्योतिर्लिंग कवर किए भाई ने, 5 ज्योतिर्लिंग किए थे। पहले हम लोग गए थे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ किए थे, और सोमनाथ से फिर गए थे हम नागेश्वर में, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कर दिए। वहाँ से हम लोग चार धाम, ये जो चार धाम चार दिशा वाले है ना, वहाँ गए थे द्वारका, वहाँ वो रणछोड़ जी के दर्शन किए हैं। और फिर वहाँ से हम लोग निकले और अपने गुजरात से फिर आ गए सीधा हम लोग, वहाँ से लमसम हम लोग निकले थे सुबह 7-8 बजे निकले थे वहाँ से। फिर हम लोग शाम को आ गए यहाँ नासिक में, फिर नासिक में हम लोग रुके थे, फिर वहाँ नासिक से
फिर सुबह निकल गए वहाँ से, और वहाँ महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हम लोगों ने पूरे किए हैं। वहाँ से अभी 3 ज्योतिर्लिंग खत्म करके फिर वहाँ से हम लोग निकले हैं। अभी आपके सामने है बेंगलोर में, अभी देख सकते हो ये हाईवे अपना बेंगलोर का, हर हर महादेव। और यहाँ पे देख सकते हो आप 12 ज्योतिर्लिंग की पूरी मतलब भाई ने पूरा कवर करवा दिया, मतलब कौन कौन सा। अभी जैसे ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, तो 5 पे टिक भी लगा दिया भाई ने। अभी नेक्स्ट ये है रामेश्वरम, मतलब अभी तक का सफर तो कम्प्लीटली एकदम फुल एंजॉय किया है, पूरा आनंद एकदम। आगे का भी महादेव ने चाहा तो कम्प्लीट ही रहेगा, महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी सर, टेंशन मत लीजिए। कालों के काल महाकाल जिसके साथ हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। और हमारे साथ और भी सर जी है, बताइए सर अपना। महादेव की हर हर महादेव। आपका शुभ नाम? कार्तिक चौहान। कार्तिक चौहान, गणेश भाई को मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और हमारे भाई और है इधर साथ में, थोड़ा बताइए आप भी। भाई थोड़े शर्मा रहे अपने। महेश भाई थोड़ा शर्मा रहे यार, शर्माओ मत भाई। बिंदास होके बोलो, पूरी दुनिया देखेगी आपका वीडियो। और बाकी कैसा रहा एक्सपीरियंस यात्रा का, थोड़ा बताओ। अच्छा लगता है, कभी सबको बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ भाई एक बार निकलो, कोई एक ज्योतिर्लिंग करो ना भाई, तो भी सुकून मिलता है। सुकून मतलब क्या बोलू, जो नेक्स्ट लेवल, मतलब बता ही नहीं सकता, एक्सप्लोर नहीं कर सकते उसको, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने निकलते ना भाई, महादेव जैसे खुद आ जाते हैं, महादेव दिल में ऐसे लगता है जहाँ देखो वहाँ बस शांति शांति आनंद, आनंद ही आनंद। और कहीं भी जाओ तो मतलब अजनबी जैसा नहीं लगता वहाँ, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पराया लगे, ऐसी कोई जगह नहीं रहती। जहाँ भी जाओ अच्छे ना अच्छे कोई ना कोई मिल जाता है, और महादेव की कृपा है अब तक कोई हमें दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छे से हम चारों एंजॉय करके निकले हैं, एंजॉय करते रहे और बस मजे करते रहेंगे, मजे करते रहेंगे, यात्रा चलती रहेगी। आप लोगों को बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग लाइक करो, शेयर करो, और हमारे गणेश जी को भी थोड़ा हेल्प करो, वो भी बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, मैं देखता हूँ, मैं सारे वीडियो देखता हूँ उसका, और सभी वीडियो को लाइक करता हूँ, शेयर करता हूँ, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बाकी तो सब महादेव की कृपा है, महादेव की कृपा से अपने भी जल्दी होंगे दोस्तों 1 मिलियन। सबको शेयर करो आप, एक एक बंदा अगर 10 आदमी को शेयर करेगा तो एक दिन में हो जाएंगे, मालूम है 80-82,000 है अभी अपने, तो एक बंदा 10 आदमी को शेयर करेगा तो कहाँ तक जाएगी अपनी वीडियो, देखो आप। ये देख सकते हो करण भाई इधर में है, और बहुत यात्रा बहुत ही बढ़िया रहेगी भाइयों की, और प्रभु से मेरी भी यही दुआ है कि यात्रा मंगलमय रहे, शुभ रहे, सब कुछ अच्छा से अच्छा होता रहे भाइयों का। और जो हम चारों जो लोग निकले हैं ना, उसकी मतलब सबको इनके वीडियो में मेंशन कर देंगे, तो आप हमारे मतलब हमारी प्रोफाइल पे ही चेक कर सकते हो कि 12 ज्योतिर्लिंग में कब, मैं सब बताऊंगा कितना खर्चा लगता है, कहाँ रहना पड़ता है, क्या क्या दिक्कत होती है, वो सारी सारी बातें हम लोग बताएंगे। और हर हर महादेव दोस्तों, तो यात्रा शुरू हुई थी अहमदाबाद से, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा पर निकले हुए अपने भाई लोग, तो बहुत आनंद आने वाला है आज के वीडियो में। ये देख सकते हो आप अहमदाबाद यहाँ से स्टार्ट हुई थी यात्रा, उसके बाद में सारे ज्योतिर्लिंग एक एक कवर करके अब भाई लोग पहुँचे अपने पास बेंगलोर में। और एक बार पूरी गाड़ी दिखाता हूँ मैं आपको, पूरा चारों तरफ देख सकते हो महादेव का लोगो, उसके बाद में इधर में यहाँ से आप देख सकते हो 12 ज्योतिर्लिंग कम्प्लीट अपने, और यहाँ पे आदि योगी महादेव, देवों के देव महादेव का पोस्टर लगा हुआ है, और भाई लोग इधर खड़े हैं अपने, ये देख सकते हो करण भाई, हर हर महादेव बोल दो सब एक बार, हर हर महादेव। और यहाँ पे देख सकते हो आप 12 ज्योतिर्लिंग की पूरी मतलब भाई ने पूरा कवर करवा दिया, मतलब कौन कौन सा। अभी जैसे ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, तो 5 पे टिक भी लगा दिया भाई ने। अभी नेक्स्ट ये है रामेश्वरम, तो अभी ये हाईवे अपना रामेश्वरम वाला ही है, यहाँ से ये तिरुपति बालाजी और चेन्नई सीधा निकल जाएगा, और उसके बाद में आज का जो होल्ड रहेगा इनका रामेश्वरम में रहेगा रात को 12:30। भीमाशंकर हो गया रामेश्वरम का ये है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रामेश्वरम की यात्रा होगी अब, उसके बाद में आगे मल्लिकार्जुन और वो सारे कवर करके सीधे ये अपने उत्तराखंड तक जाएंगे भाई। और देख सकते हो गाड़ी, और कुछ बताओ भाई कैसी रही यात्रा भाई,
गजब रही एकदम बढ़िया। और आपको मिलने के यहाँ मिलने का सपना था वो भी मिल गया आज। और भाई तुम लोग भी सब इनको सपोर्ट करो यार, अच्छे हैं अपने दोस्त है, और आप लोग भी सपोर्ट करो, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। उसका चैनल है तो अपने इंस्टाग्राम पर भी है और यूट्यूब में भी है, सब लोग सपोर्ट करते रहना। और हर हर महादेव। और क्यों भाई अपने गुजरात से मिलने के लिए आए, देखो यार दिल हो तो इतना बड़ा भाई, भाई सपोर्ट करते रहियो यार। और उसमें सारे और बहुत बढ़िया रही इनकी यात्रा, और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सारी यात्रा मंगल में रहे। यहाँ पर अभी एक महीने पहले ही मैं, आप सभी को मालूम है, अपना अयोध्या वृंदावन मथुरा और उसके बाद में मेहंदीपुर बालाजी खाटू श्याम जी पूरा एक महीना घूम के आया हूँ, एक महीना एंजॉय करके आया। तो अभी मतलब एकदम बिंदास मतलब आनंद में रही, और मतलब कि कैसा रहा, मतलब अभी तक का सफर तो कम्प्लीटली एकदम फुल एंजॉय किया है, पूरा आनंद एकदम। आगे का भी महादेव ने चाहा तो कम्प्लीट ही रहेगा, महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी सर, टेंशन मत लीजिए। कालों के काल महाकाल जिसके साथ हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। और हमारे साथ और भी सर जी है, बताइए सर अपना। महादेव की हर हर महादेव। आपका शुभ नाम? कार्तिक चौहान। कार्तिक चौहान, गणेश भाई को मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और हमारे भाई और है इधर साथ में, थोड़ा बताइए आप भी। भाई थोड़े शर्मा रहे हैं अपने। भाई का नाम क्या है? महेश भाई थोड़ा शर्मा रहे हैं यार, शर्माओ मत भाई, बिंदास होके बोलो, पूरी दुनिया देखेगी आपका वीडियो। बहुत मस्त रहा ना। तो ये देख सकते हो दोस्तों, गाड़ी पूरी भाई ने पहले ही मतलब लगा दिया है कि भाई कहाँ कहाँ जाना है, और जो जो कंप्लीट होता है उसके ऊपर टिक लगा देते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 हो गए हैं अभी। नेक्स्ट रामेश्वरम है, रामेश्वरम धनुषकोटी और वो सारी जगह, मतलब ये लोग अब निकलेंगे यहाँ से, और हर जगह पे मतलब एक दिन होल्ड करके आराम से रेस्ट करके फिर अगले दिन यात्रा वापस स्टार्ट करते हैं। सारे ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे बराबर, उसके बाद सीधा चले जाएंगे अपने डाकोर, डाकोर से सीधा चले जाएंगे घर। अच्छा, 45 दिन के अंदर 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हैं, और चार दिशा वाले जो 4 धाम है ना वो भी एक साथ ही करने वाले। हाँ, 4 दिशा हो गए, उत्तराखंड और जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ, 4 दिशा कम्प्लीट करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग और यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ, गजब गजब भाई भी करेंगे। हर हर महादेव। देखो भाई दोस्ती हो तो ऐसी, भाई चारों भाइयों ने मतलब प्लानिंग करके पूरा मतलब निकले हैं, एक मतलब एक महीने से भी ज्यादा, 45 दिन मतलब लगभग मान लो 2 महीने की यात्रा है इनकी, और मतलब पूरा एकदम बजट लेके चले। अच्छा अभी आज का जो दिन है छठा दिन है दोस्तों, भाई ने अच्छा लगा आपको, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बात बोलो, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग करते हैं ना यार, अंदर से फील कुछ अलग ही होता है ना, दिल से यार सच्ची बोलूँ तो इतना गजब सा फील होता है ना, क्या ही बोलूँ, जीवन सफल हो गया मतलब। हाँ मतलब ऐसा लगता है ना कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, बस ये 12 ज्योतिर्लिंग हो गया ना, धन्य हो गए ऐसा लगता है भाई दिल से यार, महादेव की कृपा से। हाँ महादेव की कृपा, हम बीच में भी मिले थे, वो दूसरे गाड़ी वाले जो थे वो आए थे, जयपुर से आए थे ना, जयपुर से आए थे वो लोग, मिले हमसे, बोले हम 12 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग पूरे करने वाले, वो लोग बोला बहुत अच्छा है। तो अभी वो रामेश्वर करके वहाँ से निकल गए दर्शन करके, अभी दोपहर में फोन किया था, बोले हम लोग निकल गए, मैं बोला चलो अच्छा है, और हम लोग आज शाम तक पहुँच जाएंगे रामेश्वर। वो जयपुर से थे, वो बीच में हमारा ये सब देख के मिले, गाड़ी रुकवा, बोले बहुत अच्छा है चलो, बोले महादेव के भक्त अब ज्यादा बढ़ रहे हैं, मैं बोला क्या करे, करता धरता तो वही है भाई, महाकाल ही है, सृष्टि के रचेता, कालों के काल महाकाल। और एक बार मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ दोस्तों गाड़ी आपको, कैसा क्या है, भाई ने पूरा मतलब पानी वानी की सारी व्यवस्था रखी हुई है अंदर में, और पीछे पूरा खाना पीना और बिस्तर वगैरह थोड़ा बहुत, मतलब क्योंकि कहीं रास्ते में भी रुकना पड़ जाए तो उस हिसाब से सारी चीज़ें रखी हुई है। और एक बार आगे से दिखाता हूँ आपको, और आगे में देख सकते हो आप अपने आदि योगी महादेव का पोस्टर लगा हुआ है, और गाड़ी बहुत ही ओवरऑल बहुत ही प्यारी और प्रीमियम लग रही है, ये आप देख सकते हो दोस्तों। लेफ्ट साइड से भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ड्राइवर साइड से, तो ड्राइवर साइड का कुछ ऐसा व्यू है, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त, जिंदाबाद। और पीछे का कुछ ये है भाई,
अपने पूरे महादेव के भक्त, देखो आगे भी महादेव का पोस्टर है, पीछे भी महादेव का पोस्टर है। अच्छा, मुझे तो लगता है कि बस जब भी मौका मिले, जब भी वक्त मिले, घूमने निकल जाया करो, बहुत अच्छा दिल से यार, बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको भी बोल रहा हूँ, अगर आपका भी दिल हो कि भाई कुछ देखना है, कुछ है, तो सोचो मत, निकल जाओ भाई। नहीं तो जगह पे जाओगे, महादेव का नाम लोगे, कोई ना कोई अपना मिल जाता है भाई। कोई भी जगह पे जाओ, कोई ना कोई अपना मिल जाएगा भाई। वो कहावत है ना कि भाई घूमना है तो जवानी में घूम लो, बुढ़ापे में घुटनों का दर्द लेके फिर पछताओगे। इसलिए भाई ने तो कर दिखाया यार, देखो मतलब एकदम पूरा प्लानिंग बना के 2 महीने का पूरा छुट्टी का व्यवस्था करके पूरा निकले हैं, और बहुत शानदार है। और मेरी तरफ से भाइयों को सबको इनको बेस्ट ऑफ लक है, यात्रा सफल रहे, मंगल में रहे भाइयों की। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देख सकते हो दोस्तों गाड़ी, और इसके ऊपर अपडेट आते रहेंगे दोस्तों, यात्रा के ऊपर मैंने बात कर ली है भाई से, और भी कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, क्या है, सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा अपने चैनल पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले नई गाड़ियों का और ट्रैवलिंग का सब कुछ। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बार हमारे साथ ही बोल दो, बोलो हर हर महादेव। तो अभी सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे अपने चैनल पे, ठीक है। तो चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो सभी भाइयों बहनों के साथ, सबके साथ शेयर कर दो वीडियो को फटाफट से बिना किसी देरी के। बाकी हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंभू, जय शंभू।